गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1 और 2 इस वीडियो के माध्यम से आज हम करेंगे। प्रश्न नंबर 1 को देखिए पहले कि निम्न में से कौन से सर्वांग क्षमता प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। अब सर्वांग क्षमता प्रतिबंध हमें बताना है कौन सा है। देखो एसी डीएफ के बराबर है, ये एसी है जो ये डीएफ के बराबर है, एबी डीई के बराबर, एबी डीई के बराबर यहाँ दे रखी है, और बीसी ईएफ के बराबर, ये बीसी ईएफ के बराबर दे रखी है। अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर दे रखी है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग क्षम होंगे। किस नियम से हमें पता है कौन सा, एस और एस 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 नियमानुसार जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग क्षम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है जेड एक्स आर पी के बराबर, जेड एक्स ये वाली भुजा जेड एक्स आर पी के बराबर हमें दे रखी है, और आर क्यू जेड क्यू के बराबर, ये आर क्यू है वो किसके बराबर है, वो जेड क्यू के बराबर हमें दे रखी है, और पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला कोण कौन से कोण के बराबर है, एक्स जेड वाई के बराबर, इसके बराबर हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दो भुजाएं बराबर दे रखी है और एक कोण, तो कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस भुजा कोण, भुजा नियमानुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग क्षम होगी। ठीक है, तीसरे में दिया है एम एन एल, एम एम एल एन, एम एल एन ये कोण हो गया, और एफ जी एच, एफ जी एच इस कोण के बराबर ये कोण दे रखा है। दूसरा एन एम एल, एन एम एल ये वाला कोण हमारे पास हो गया, तो हम यहाँ पे दो निशान लगा देते हैं, किसके बराबर है, जी एफ एच के, जी एफ एच यहाँ पे इस कोण के बराबर ये दे रखा है, ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है, और एम एल एफ जी के बराबर दे रखी है, जो ये एम एल भुजा है ये एफ जी के बराबर दे रखी है। अर्थात एक भुजा बराबर देखिए उस पर बने दोनों कोण संगत त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर दे रखे हैं, तो कौन सा नियम इसके अंदर लगेगा, हमने पढ़ रखा है, वेरी गुड, ए एस ए नियमानुसार दोनों त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांग क्षम होंगी। ठीक है, अब चौथे वाले में ध्यान से देखें, ई बी बराबर डी बी ये लिख रखा है, ई बी डी बी के बराबर दे रखा है, ए ई बी सी के बराबर दे रखा है, ये ए ई बी सी के बराबर दे रखा है, और एक कोण 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री का कोण और 90 डिग्री के सामने वाले को हम भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण बराबर दे रखा है, कोई भी एक भुजा बराबर दे रखी हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग क्षम किस नियमानुसार होंगे, आर एच और एस, आर एच एच नियमानुसार, अर्थात समकोण कर्ण भुजा के अनुसार ये सर्वांग क्षम होंगे। तो चौथा प्रश्न हमारे पास इस नियम से सर्वांग क्षम है, तीसरा भाग इस नियम से है, दूसरा भाग इस नियम से, और पहला भाग इस नियम से है, हमें नियम ही बताने थे। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं और दिया है कि आप यदि त्रिभुज ए आर टी सर्वांग क्षम है त्रिभुज पी ई एन दर्शाना चाहते हैं, ए आर टी और पी ई एन दर्शाना चाहते हैं, और एस 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 सर्वांग क्षमता प्रतिबंध की यदि बात करें, एस 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 का मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तो ए आर किसके बराबर होगी, आर टी किसके बराबर होगी, और ए टी किसके बराबर होगी। आप यहीं से देखें, जो हम सर्वांग क्षमता दिखाना चाहते हैं, अब पहले ए आर, ए आर यदि यहाँ पर है तो पहले दोनों बिंदु इसने लिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले दोनों बिंदु पी ई ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आर टी आखिरी के दो हैं, इसके आखिरी के दो लें, ई एन, ठीक है, फिर ए टी है, एक पहला एक आखिरी है, तो पहला और आखिरी इसी प्रकार हमें लेना है पी एन। ये ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज दो सर्वांग क्षम होंगे उनका शीर्ष बिंदु जहाँ पे होगा दूसरे का भी वहीं पे होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में कोण टी बराबर कोण एन दे रखा है, ये कोण टी कोण एन के बराबर दे रखा है। ठीक है, और सर्वांग क्षमता प्रतिबंध की बात की आपके ऑप्शन एस ए एस भुजा कोण भुजा, अर्थात जो कोण दिया गया है उसके साथ वाली जो दोनों भुजाएं हैं ये इनकी संगत भुजाओं के समान होनी चाहिए, तो आर टी किसके बराबर है, फिर यही जाएंगे हम, आर टी किसके बराबर होगा, ए एन के, यहीं से बस, और पी एन
पी एन पहला और आखिरी किसके बराबर होगा, पहला और आखिरी ये टी के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल, यहीं से देखना है, ठीक है। आगे ए टी बराबर पी एन दे रखा है, ये ए टी किसके बराबर है, पी एन की, ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। और अब की बात समान क्षमता प्रतिबंध है ए एस ए, कोण भुजा कोण, तो कोण से दो कोण समान हो क्योंकि भुजा तो समान हमें दे दी, ए टी बराबर पी एन, ए टी बराबर पी एन दे दिया, तो कोण से दो कोण समान होंगे। कोण देखें, इस भुजा के ऊपर ये दो कोण बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ए के समान होगा पी और पी के समान होगा एन, तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी और कोण पी बराबर कोण एन। यहाँ पे देखें ए पी पी एन, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो ये प्रश्न नंबर दो बड़ा ही आसान था, त्रिभुज सर्वांग क्षमता को लेके प्रश्न नंबर एक और दो दोनों हमने आज देखे। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगे। अब इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।